ये हमारा फ्लावर स्मोकिंग तैयार हो गया, स्मोकिंग फ्रॉक बनने के लिए। हमने इसका लेंथ रखा था 18, हमें चाहिए था 10 इंच, 10 इंच चाहिए था लंबाई, तो 18 रखा, और ये चौड़ाई हमने अर्ज पूरा ही रख लिया था, हमें 18 चाहिए था, 38 थी कपड़े की चौड़ाई, 38 रखा, अर्ज ही पूरा 38 था, तो हमने रख लिया था कि जो चेस्ट है उसका डबल प्लस उसमें 6-7 रखना होता है, 38 रखा, तो हमारी चौड़ाई 18 इंच हो गई और लंबाई हमें 10 चाहिए था, वो हो गया। अब इसमें हम अस्तर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्टिच होगा अस्तर में, पूरा नीचे साइड ओपन रहेगा, फिर इसे पलट देंगे, पलट के हम सीधा करेंगे, फिर यहाँ स्ट्रिप जाएगी और हमारी फ्रॉक की डिज़ाइन ये है। यहाँ बीच में हमारा टक्स का एक हम डिज़ाइन देंगे और उस पर ये चेन पट्टी जाएगी। चेन पट्टी के लिए पहले हम टक्स का इतना तैयार करेंगे, उस पर चेन पट्टी फिट करेंगे, फिर ये हमारा ऊपर की बॉडी हो गया। नीचे अम्ब्रेला की कटिंग हम आपको दिखाएंगे, घेर अम्ब्रेला कट रहेगा, इस तरीके से हमारा ये स्मोकिंग फ्रॉक तैयार होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं, कटिंग स्टिचिंग सब। जैसे कि आप अभी एक पूरा देखें कि अस्तर अस्तर लगा के हम जब पलट लेंगे, तो ये जो फ्रॉक बनने जा रही है उस बच्चे का नाप है, चेस्ट 28 है, जब चेस्ट 28 है तो ये तो हमारा तैयार 18 है ना, तो हमें तो फ्रंट में 14 चाहिए, तो ये 1-1 इंच इधर हम फोल्डिंग करेंगे और यहाँ से पूरा हमारा ये टक्स का कपड़ा अटैच होगा बैक साइड में। पहले हम कपड़े पे टक्स डालेंगे, फिर उसको इसमें फिट करेंगे, बीच में चेन, वो हम आपको दिखाते हैं। ये अम्ब्रेला कट की कटिंग हो रही है घेर की, पहले हम कपड़े को, ये देखिए हमें 20 चाहिए, 20 से हमने फोल्ड किया है, घेर हमें 15 चाहिए और यहाँ से लेके इस फोल्डिंग देखिए ये 20 है इंच, फिर इसे हम ये फोल्ड है पूरा ऐसे किया। अब दूसरा फोल्ड देखिए, ये हमारा फोल्डिंग देखिए, अब यहाँ हमारी कटिंग होगी, ये हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर का निशान लग गया और 15 हमें तैयार चाहिए और कमर हमारा तैयार 12 पे चाहिए, तो 6 पे होना चाहिए, लेकिन हम 6 पे नहीं लगाते, 5.5 पे लगाते हैं। 5.5 पे जब लगाएंगे तो ये जो सर्कल बनती है वो खींच के जब फिट करते हैं तो स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए 1/2 इंच कम पे ही लगाएंगे, नहीं तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो चुन पड़ जाता है। जब भी हमारी जो भी लेंथ रहेगी, जैसे हमें 15 तैयार चाहिए था तो वो रहेगा, प्लस हमें कमर कितना चाहिए, जैसे ये 5.5, तो हमारा 5.5 कहाँ पे आ रहा है, हमारा 5.5 यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो वो हम यहाँ मार्क करेंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये 15 और प्लस ये 7.5, 2.5 इसके आसपास ये हमारा पूरा कपड़ा यहाँ फोल्ड होके ये अब निशान लगने जा रहा है। अच्छा हाँ, ये भी हमें क्लियर करना है, जैसे ये सर्कल है तो ये सर्कल कभी कभी इधर हमारा सही है, इधर हमारा कहीं नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, तो इसका भी एक मेज़रमेंट होता है, यहाँ से हम यहाँ तक नाप लेंगे, जैसे 5.5 पे हमारा हो गया, हमें 5.5 ही चाहिए तो फिटिंग अच्छी आएगी, 6 तैयार चाहिए तो हम 1/2 इंच कम, क्योंकि ऑलरेडी ये कपड़ा हमारा फोल्ड होता है, खिंचता भी है, तो ये 7 आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा 7 आना चाहिए, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे, फिर ये ऐसे राउंड करेंगे, फिर इस पर कटिंग होगी। ये आपको एकदम क्लियर हो गया, लेकिन ये एक बार और बताना चाहेंगे कि इस पर विशेष ध्यान रखिए, अगर जरा भी ये सर्कल बढ़ गया तो हमारा जो घेर लगेगा तो फिर वो फिट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं चुन होगा, हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा नाप है 1/2 इंच कम रखेंगे। हमें 12 पे तैयार चाहिए, फोल्ड हुआ है तो हम 6 पे निशान लगाना था, लेकिन हमने 5.5 पे लगाया है,
कपड़ा और एब होता है तो खींच के लगता है तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये हमारा 15 पे पूरा निशान लगा, ऐसे नाप लेते हैं। यहाँ से यहाँ 15, फिर इंच टेप यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ भी 15, फिर ऐसे करके यहाँ भी 15, फिर लास्ट कॉर्नर में रखेंगे यहाँ भी। ऐसे हम डॉट डॉट का निशान लगा के फिर मिला देते हैं। अब ये कटिंग होगी, ये हमारा कट हो गया। अब आप इसकी फोल्ड, इसको फोल्ड खोलो। ये ऐसे हमारा तैयार है, हमारा बैक पोर्शन निशान लग रहा है फ्रॉक के बैक पार्ट पे। ये फ्रंट है, बैक पे टक्स होगा, स्क्वायर टक्स डाला जाएगा। ये कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग हो, चौड़ाई में भी और लंबाई। पिन टक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर वाला डालना है। क्रॉप में हमें बैक पार्ट पे टक्स डालना है तो उसका भी ये निशान बनाया जाता है, इसी पे स्टिच हो जाए, प्लेन सिलाई लगाई जाती है। निशान रहता है तो सीधा रहता है, नहीं थोड़ा कर देती है तिरछा उछा है। उनको चौकोर टक्स चाहिए, पहले ऐसे लगा लेंगे, फिर हम ऐसे लगाएंगे लंबाई की तरह। ये देखिए पतली पतली से सिलाई लग जाएगी, प्लेन सिलाई पूरी लगनी है। अगर आपको आ रहा है तो फिर आप कोई भी टक्स डाल सकते हैं, कोई भी टक्स आप बड़े आराम से कर सकते। ये तो हमारा चौकोर टक्स स्क्वायर, ये देखिए ऐसे है। इधर हम ऐसे तो पकड़ के करेंगे वही डिज़ाइन पूरा हमारा। कई प्रकार के टक्स बनते हैं, ये चौकोर टक्स। ये देखिए, ये हमने टक्स यहाँ तक सिल दिया है। अब हम आपको ये वाला सिल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेरा पूरा यहाँ से ये लाइनिंग वाली ये टक्स हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो ये मेरी ये लाइनिंग है, ये देखिए,
ये वाली लाइनिंग जो है अब हम इसको पकड़ पकड़ के ऐसे टक्स यहाँ से यहाँ तक इसको हम लगाएंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, ये देखिए अभी अब इधर वाली लाइनिंग अभी ऐसे टक्स लगाएंगे। ये देखिए हमने इधर वाली लाइनिंग को ऐसे सिल लिया है ये टक्स। अब हम सारी लाइनिंग को इसी तरीके से सिलेंगे। ये देखिए ऐसे ही सिलते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे ही लाइनिंग ये चौकोर वाली मेरी कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हम ये पिंटक्स भी सेव करेंगे। ये देखिए ये टक्स मेरा कंप्लीट हो गया है। कुछ ये देखिए इस तरीके से ये चौकोर टक्स बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरीके से ये मेरा पूरा हम इसको सिल के कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से कंप्लीट होगा ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहा है।